बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कटैया पंचायत में दो युवकों की मौत अलग अलग सड़क दुर्घटना में हो गई। एक युवक बाइक से एक अन्य साथी के साथ अपने दोस्त के शादी में जयनगर पच्छर गांव जा रहा था। उसी दौरान देवधा एनएच के समीप खड़े ट्रैक्टर में ठोकर लगने से एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक जख्मी हो गया। जख्मी हालत में युवक का इलाज दरभंगा के निजी अस्पताल में चल रहा है। मृतक युवक की पहचान हेमंत यादव के 18 वर्षीय पुत्र शिवशंकर यादव के रूप में किया गया है। जख्मी युवक की पहचान भरोसी यादव के 17 वर्षीय पुत्र अनिल यादव के रूप में हुआ है। दूसरा बाइक चालक की मौत मामले को लेकर बताया जा रहा है कि युवक के पड़ोस के घर के एक बगल में एक लड़की की शादी थी। शादी में खाना खाने के बाद युवक कुछ काम से बाइक से निकला, लेकिन घर से कुछ ही दूरी महथौर सहरवा टोल के समीप युवक बाइक से गिर गया। लेकिन युवक को गांव के ही निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया, जहां डीएमसीएच में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक दूसरे युवक की पहचान रिखन सदा के 25 वर्षीय पुत्र दुर्गेश सदा के रूप में किया गया है। घटना को लेकर गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। कटैया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि संजय महतो ने बताया कि घटना सुनकर मैं काफी विचलित हो गया। सरकार व पंचायत स्तर से दोनों परिवार का हर संभव मदद किया जाएगा। मैं आज दुखद घटना हो गई है, क्या आप मांग करते हैं सरकार? बहुत दुखद घटना हुई है पंचायत में। एक तो रिखन सदा का लड़का का रोड एक्सीडेंट से देहांत हो गया है डीएमसीएच में। एक हमारे यहाँ से बारात जा रही थी कमलावाड़ी की ओर, देवधा में भी घटना हो गया है, एक्सीडेंट घटना। हम सरकार से मांग करते हैं कि दोनों परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और दुखद परिवार को हम लोग संवेदना दे रहे हैं और सरकार से भी, और हम भी देखते हैं जो पंचायत के स्तर से हो तो वीडियो साहब से बात करके जो हो उसको हम देने का कृपा करेंगे। पर्चे संजय कुमार महतो, विधायक प्रतिनिधि वासुपट्टी। पंचायत में एक दुखद घटना कल घट गई है, जो जा रहे थे बाराती उसका देवधा में ट्रैक्टर में ठोकर लगने से मौत हो गया है, क्या मामला था? ये तो बहुत दुखद घटना है। ये हमारे ग्राम पंचायत कटिया मथुर गांव है, वार्ड नंबर 2 है। वो लड़का का नाम है शिव कुमार यादव, पिता का नाम है हेमंत यादव। वो कल मतलब बराती के लिए वो रवाना हुआ था, अचानक 9-10 बजे रात में वो गया मतलब क्या कहते हैं देवधा के आसपास में, वो बाइक से ठोकर लग गया, वो मतलब स्पॉट मर्डर हो गया। तो हम सरकार से ही मांग करना चाहते हैं कि उसको जो लाभ मिले सरकार तरफ से उसको मिला। एक शायद घायल भी है, उनका भी कहीं इलाज चल रहा है? उसका इलाज चल रहा है, वो मतलब ही दरभंगा पारस में एडमिट है, लेकिन हम लोग कामना करना चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए। पर्चे आपका? पर्चे मेरा ग्राम पंचायत कटिया, कटिया का मैं उप मुखिया राम सरदार। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास, बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास, बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।